हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इस सीरीज का फिफ्थ पार्ट। इसके पहले पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लिन और कीहाओ मास्टर बुई से मिलने आते हैं ताकि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। यही लिन और शाओ फैन मजाक में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, लेकिन लिंजर इसे असली लड़ाई समझकर बीच में आ जाती है और लिन पर अटैक करने लगती है। लिन उस पर अपनी ड्रैगन स्पोर्ट का यूज करता है, लेकिन लिंजर उसे डॉज कर लेती है और शाओ फैन को लगता है कि इनकी लड़ाई तो सीरियस होती जा रही है। वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते और इससे पहले कि कोई घायल हो जाए कीहाओ बीच में आकर फाइट को रोक लेता है। तभी बुई और उसकी वाइफ भी वहाँ आ जाते हैं और बुई कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और तुम इस तरह मेरे क्लैन की शांति भंग नहीं कर सकते। कीहाओ बुई से माफी मांगता है और लिंजर से पूछता है कहीं लिन ने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई, जिस पर लिंजर कहती है कि ऐसे फाइटर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कीहाओ लिन से आगे आकर माफी मांगने को कहता है, लेकिन देखता है कि वो अभी भी पूरे एटीट्यूड में है। शाओ फैन सबको समझाता है कि ये तो हम आपस में मजाक कर रहे थे, लेकिन लिंजर उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि चाहे इसकी कल्टीवेशन कितनी हाई क्यों ना हो, लेकिन ये तुम्हें इस तरह बुली नहीं कर सकता। लिन भी फाइनली उन सबसे सॉरी बोलता है और बुई कहता है कि ड्रैगन क्लैन वाले हमेशा ऐसी ही गलती करते हैं और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लिंजर शाओ फैन को भी अपने साथ आने को कहती है और कीहाओ एक बार फिर उससे बात करने आता है। वो लिंजर से कहता है कि मैं अपने साथी के बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन लिंजर उसकी पूरी बात सुने बिना ही जाने लगती है। कीहाओ उसे एक मिनट रुकने को बोलता है और अपने पास रखा एक पर्ल बॉक्स उसे दिखाता है जो उसने डायमंड सेट के साथ लड़ाई में हासिल किया था। वो बताता है कि ये एक बेशकीमती मोती है जो तुम्हारी ब्यूटी में चार चांद लगा देगा और मैं माफी के तौर पर इसे तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। लिंजर पहले तो उसे लेने से मना कर देती है, लेकिन कीहाओ के बार बार रिक्वेस्ट करने पर फाइनली उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर लिन शाओ फैन से पूछता है कि तुम उसे इतना घूर कर क्यों देख रहे हो, जिस पर शाओ फैन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे तो बस तुम दोनों की चिंता हो रही थी। लिन को लगता है कि शायद उसकी और लिंजर के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन शाओ फैन इसे इनकार कर देता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लिन शाओ फैन को थोड़ा और छेड़ता है और इसी तरह मस्ती करते हुए वो बाहर निकल जाते हैं। वहाँ लिन उससे पूछता है कि क्या तुम भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हो, जिस पर शाओ फैन कहता है कि ये सब तो मास्टर बुई पर डिपेंड करता है। लिन उसे बताता है कि ये कंपटीशन 60 साल में एक बार होता है और अगर हम इसमें पार्ट ले पाएं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। शाओ फैन इसके लिए उसे गुड लक बोलता है और लिन कहता है कि ये हमें अपने गाँव के लिए करना होगा। तभी उसका सीनियर कीहाओ वहाँ आता है और लिन शाओ फैन से अलविदा लेकर उसके साथ चला जाता है। रात को हम शाओ फैन को अपने रूम में देखते हैं, जहां लिंजर अचानक उससे मिलने आती है और बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। वहां वो एक बार फिर उससे लिन के बारे में पूछती है और शाओ फैन उसे समझाता है कि ये तो हमारे बचपन का प्यार है और हम इसी तरह एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, लेकिन मैं आज तक उससे एक भी फाइट नहीं जीत पाया। लिंजर कहती है कि इसका मतलब बचपन से ही वो तुम्हें बुली करता आया है और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मेरे हाथों से बचकर निकल गया। फिर वो शाओ फैन को एक पेपर देती है और शाओ फैन देखता है कि इसमें मिस्टिकल स्टीम फाइटिंग को सीखने का तरीका लिखा हुआ है और ये देखकर वो घबरा जाता है। लिंजर उसे वो पेपर उठाने को बोलती है और कहती है कि मैं बड़ी मुश्किल से इसे कॉपी करके लाई हूँ। शाओ फैन उसे समझाता है कि मास्टर बू ये जानकर बहुत गुस्सा होंगे और तुम्हें पनिश भी कर सकते हैं, लेकिन लिंजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि इसके बारे में उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। वो शाओ फैन को इस स्किल की प्रैक्टिस करने को बोलती है ताकि आगे से उसे कोई बुली ना कर सके। आगे वो शाओ फैन से कीहाओ के बारे में बात करती है कि कैसे वो सभी फाइटर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस बार का टूर्नामेंट भी शायद वही जीतने वाला है। शाओ फैन को ये सुनकर थोड़ी जलन होने लगती है और वो कहता है कि ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि सेट में और भी कई बेहतरीन फाइटर्स हैं। फिर वो कीहाओ का दिया वो पल उसे दिखाती है, लेकिन देखती है कि इससे शाओ फैन का चेहरा एकदम से उतर गया है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे जलाने की कोशिश कर रही थी और जाते हुए कहती है कि अब तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान लगाना चाहिए। शाओ फैन पहले तो उस पेपर को साइड में रख देता है क्योंकि वो इस तरह चीटिंग करके आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन फिर वो सोचता है कि एक बार इसे देखने में क्या ही प्रॉब्लम है और इसी तरह कंफ्यूज होते हुए
वो फाइनली उस पेपर को खोलकर देखता है जिसमें एक मिस्टिकल फाइटिंग का तरीका लिखा हुआ है और वो उसे यूज करके अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। जल्दी ही वो इसे यूज करना सीख जाता है और देखता है कि इस पावर में गजब का पोटेंशियल है जो आगे जाकर उसके बहुत काम आएगा। तभी उसे शेड में कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो जाकर देखता है कि ये तो उनका एक साथी डाई है जो काफी टाइम पहले क्लैन से गायब हो गया था। शाओफेन उसे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे और यहाँ इस शेड में क्या कर रहे हो। तब डाई उसे अपनी पावर दिखाता है कि कैसे उसने लकड़ी से ये वुडन डाइस बनाए हैं जिनका साइज वो चेंज कर सकता है और इन्हीं के लिए वो इतने साल प्रैक्टिस कर रहा था। वो बताता है कि ये 1000 साल पुराने पोल्ट्री की लकड़ी से बने हैं और वो इन्हें मार्शल आर्ट मीटिंग में यूज करने वाला है। शाओफेन ये देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि काश मैं भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाता। तब डाई उसे बताता है कि वो तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे भी हमारे पास बस 7 ही फाइटर्स हैं और टूर्नामेंट के लिए हमें 9 फाइटर्स चाहिए। ये सुनकर शाओफेन खुश हो जाता है और फिर वो दोनों बाकी मेंबर से मिलने अंदर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से सबको हैरान कर रहा है और बाकी स्टूडेंट्स को लगता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो मास्टर ने ये डिवाइन वेपन इसे दे दिया जिसका मुकाबला कुछ सीनियर की हाओ भी नहीं कर सकता। तभी मास्टर कैंग सोंग वहाँ आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हार्डवर्क से बहुत खुश हूँ लेकिन इससे ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना क्योंकि मार्शल मीटिंग में टॉप पर आने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी होगी। वो बताता है कि ड्रैगन क्लैन हमेशा से टूर्नामेंट में अच्छी पोजीशन लेता आया है और इस बार भी वो उनसे ऐसा ही एक्सपेक्ट करता है। आगे हम सेट के किंग डाओशुआन को देखते हैं जिसके लिए एक सीक्रेट मैसेज आया है। वो पैलेस में बनी एक दीवार के पास जाता है जहाँ उनके एंसेस्टर्स की कब्रें बनी हुई हैं और एक आवाज उसे कहती है कि हजारों सालों से अच्छे और बुरे के बीच फाइट चल रही है और तुम इस आग को इतनी आसानी से नहीं बुझा सकते। तब डाओशुआन कहता है कि इस सेट को बनाने के पीछे यही कारण था और तुम चाहे जितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो हम बुराई को इस दुनिया से मिटा कर ही रहेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे का सीन डाजू क्लैन का है जहाँ उनके फाइटर्स टूर्नामेंट में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और डाई सबको अपनी मैजिकल डाइस दिखाता है। पता चलता है कि सबके पास अपने कुछ अलग अलग आइटम्स हैं जिन्हें वो मार्शल फाइट में यूज करने वाले हैं। तभी शाओफेन वहाँ सबके लिए खाना लेकर आता है और लिंजन नोटिस करती है कि उसने जंगल में मिली वो ब्लैक स्टिक पकड़ी हुई है। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कॉम्पिटिशन में इस स्टिक से लड़ने वाला है। ये देखकर लिंजर उसे एक तलवार देती है और कहती है कि इसे यूज करना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। वो उसे खुद पर भरोसा रखने को कहती है क्योंकि इस टूर्नामेंट से उसके एक्सपीरियंस को अच्छा बूस्ट मिलेगा। मास्टर बॉय भी उन सबको गुड लक बोलता है और डेरिन से कहता है कि शाओफेन का जरा अच्छे से ध्यान रखना कहीं उड़ते हुए ये नीचे ना गिर जाए। फिर वो और उसकी वाइफ उड़कर वहाँ से निकल जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी अपने अपने आइटम्स लेकर उनके पीछे जाने लगते हैं। डेरिन शाओफेन को अपने साथ चलने को बोलता है और कहता है कि तुम चाहो तो इस मंकी को भी वहाँ ले जा सकते हो। जल्दी ही वो सब टूर्नामेंट वाली जगह के लिए निकल पड़ते हैं और शाओफेन देखता है कि लिंजर भी उनके साथ आ रही है। तभी अचानक वो तलवार से नीचे गिर पड़ता है और इससे पहले कि वो जमीन से टकरा पाए लिंजर अपने स्कार्फ से उसे बचा लेती है। डेरिन भी उसे चेक करने आता है और कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम उस जगह पहुंच चुके हैं। शाओफेन देखता है कि वहाँ तो काफी भीड़ लगी हुई है और लिंजर उसे अपने साथ आने को बोलती है। तभी वो लोग एक लड़कियों के क्लैन को आते हुए देखते हैं जिन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की लीड कर रही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।